एल्डर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं पेपर टू का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। पेपर टू का ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी, और हिंदी में हम अगर बात करें जो हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं तो उन्हें तो हम कर लेते हैं, बट जहाँ पे पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं यहाँ या फिर जहाँ पे पोएम वाले होते हैं, जैसे कि यहाँ पे गिवन है, ये इन क्वेश्चंस में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज हम एक बार इसका डिस्कशन करते हैं। और ये जो पेपर है ये आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो कि सीटेट में आ चुका है, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो देख लेते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यानी कि जो हमें आंसर जो चुनना है ना, वो जो सबसे बेस्ट है हमें वही चुनना है। तो पढ़ते पहले एक बार, पहले हम इस काव्यांश को पढ़ लेते हैं। ये काव्यांश है, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। तो इसके हम एक बार सारे ऑप्शंस देख लेते हैं, जिसमें से अभी हमारे पास टोटल पांच, हमारे पास टोटल सिक्स क्वेश्चंस हैं जो इसमें से करने हैं। तो अभी हमने पोएम तो पढ़ ली और काफ़ी अच्छी हिंदी पढ़ी हमने, अब देखते हैं इसके आंसर्स को देखते हैं। जो पहला है वो देख लेते हैं, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, इसका कारण क्या हो सकता है देख लेते हैं। तो पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, सिकुड़ कर बैठना और झुक कर चलना, कुछ भी भोजन ना करना, भीख मांगने का नाटक करना। ऑब्वियसली अगर हमें कोई अभी पूरे एक दिन खाना ना दे, हमारी मम्मी पूरे एक दिन खाना ना दे, तो शाम तक हम बोलते हैं मम्मी से, मम्मी मेरा तो पीठ और पेट दोनों मिलकर एक हो गया है, या फिर मेरे पेट में चूहे कूद रहे, मुझे खाना दे दो। तो इसका जो हमारा उपयुक्त आंसर होगा वो उत्तर है हमारा सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे, कलेजे के दो टूक करना का आशय है, कलेजे के दो टूक करने का आशय भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है टुकड़े टुकड़े करना, नहीं, मन को कष्ट पहुँचाना या दिल को चीरफाड़ करना, भैया दिल की चीरफाड़ नहीं करनी, कठिनाई पैदा करना। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है बी, यानी कि मन को कष्ट पहुँचाना, कलेजे को दो टूक करना, बहुत मतलब पेन होना, मन को बहुत ज़्यादा कष्ट पहुँचा रही है। अब उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है आज का, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है, बताइए भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है। ऑब्वियसली भिखारी को अपनी भूख मिटानी होगी, बट एक बार हम सारे ऑप्शन देख लेते हैं, जो सबसे अप्रोप्रिएट होगा हम उसी को ही सिलेक्ट करेंगे। तो पहला है भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, दूसरा है झोली में कुछ छिपाना चाहता है, अच्छा तीसरा है मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, और चौथा है अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है। तो अगर हम बात करें तो बिल्कुल वो कभी अपनी झोली को कुछ में से कुछ छुपाना नहीं चाहेगा, मुट्ठी भर अनाज को वो दिखाना नहीं चाहेगा, या अपनी गरीबी के बारे में भी वो किसी को बताना नहीं चाहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुंह शब्द का उपयुक्त चंद्र बिंदु है, मुंह शब्द में उपयुक्त चंद्र बिंदु है। तो इसके एक बार हम देखते हैं, पहला है अनुस्वार, दूसरा है अनुशासिक, तीसरा है नासिक्य, चौथा है शिरोरेखा। तो इसका जो करेक्ट है हमारा आंसर, इसका रहेगा ए। ए कैसे रहेगा कि ये अनुस्वार है, ये मुंह का जो उपयुक्त चंद्र बिंदु है ये अनुसार है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा जो आज का है वो है, काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है, काव्यांश से यानी कि जो कविता हमने पढ़ी इसमें से हमारे मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है, हम इस चीज़ को एक बार देखते हैं। तो सबसे पहला है श्रृंगार, तो श्रृंगार तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। हास्य, ऑब्वियसली हमें हंसी नहीं आ रही क्योंकि वो बेचारा गरीब जिसका पेट और पेट बिल्कुल चिपक गया, यानी कि वो भूख के मारे बिल्कुल तड़प रहा है, तो हास्य तो बिल्कुल नहीं है। करुणा यानी कि दया आ रही है, तो करुणा तो हो सकता है, बाकी अगला भी देख सकते हैं वीरता। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा तो वीरता होगा ही नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करुणा है।
यानी कि हमें दया आ रही है उसे देख के, वो इस तरीके से बेचारा है, उसकी ऐसी हालत है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, इस क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं। वह आत्मा में वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है, यानी कि वह आत्मा में जो वह सर्वनाम है, वह सर्वनाम किसका ये द्योतक हो सकता है। तो इसके ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं। पहला है गांधी जी, बिल्कुल गांधी जी जी तो यहाँ आ नहीं रहे हैं। अतिथि, अतिथि भी नहीं आ रहे हैं। भिक्षुक, हाँ बात तो यहाँ पे हमारे भिक्षुक की ही चल रही थी पूरी पोएम में। लास्ट है विकलांग, यहाँ पे कोई विकलांग भी नहीं आ रहा है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है भिक्षुक, यानी कि वो भिक्षा मांगने आ रहा था। तो हमने ये डिस्कशन किया, हमने देखा कितनी आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। तो आई होप आप सबको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए। तो उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा, तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया।